Assalamu alaikum guys, this is Abdul Basit Babar here and you're watching Abby Vlogs. Welcome to Arbab Nias Cricket Stadium. This time काफ़ी दिनों बाद आया हूँ तो सोचा आप लोगों को थोड़ा सा ग्राउंड व्यू प्लस ईयर व्यू दोनों दिखा दूँ. मेरे साथ एज ऑफिशियल और भी ऑफिशियल यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि ऑफिशियल असद खटक और ऑफिशियल शाह फैसल एंड द थर्ड वन ऑफिशियल अब्दुल बासित बाबर. तीनों हम यहाँ पर मिलकर एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं. सो गाइज आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी. लेकिन ये स्टोरी मूड होगा. स्टोरी मूड का मतलब कि आप लोगों को एक चीज़ के बारे में पूरी स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम बिगेनिंग टू एंड एक स्टोरी की तरह सुनाया जाएगा. सो आप लोग वीडियो क्लिप्स के साथ साथ इसकी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर लीजिएगा. सो गाइज थैंक यू एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड वीडियो. तो जनाब स्टोरी से मेरा मकसद ये था कि हम आपको वन बाय वन करके पूरे स्टेडियम की अपडेट्स दे दें. जैसे हम पहले चीयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि पूरे स्टेडियम में चीयर्स कितनी तादाद में लग चुके हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि और किन किन जगहों पर काम जारी हैं. हम इसकी जो LED लाइट्स के लिए जो फ्लड लाइट्स कहा जाता है उसके लिए वायरिंग की जो सेटअप है वो कम्प्लीट कर रहे हैं. उसकी वीडियो भी हम इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो में ही दिखाएंगे. और साथ ही साथ जो ग्राउंड अपडेट्स है, जितना ग्राउंड पर काम हो चुका है उन सब की अपडेट्स आपको वन बाय वन इसी वीडियो में करके देंगे. लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है. और हाँ, जो नए यूज़र हैं उसको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ये स्टैंड जिसके बारे में और यूट्यूबर्स भी काफ़ी यूट्यूबर्स ऑफिशियल्स वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस पर काम स्टार्ट हो चुका है. जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं तीन इसकी ब्लॉक्स मुकम्मल हो चुकी हैं, अब चौथे वाली पेयर इसका काम जारी है. तो माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी के साथ वर्क इस पर हो रहा है. और ऑफिशियल्स का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके हम स्टेडियम को कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि आने वाला PSL 8 हम ज़रूर किसी भी हाल में पेशावर इंशाल्लाह लेके आएंगे. क्योंकि जैसे अभी वेस्ट इंडीज टीम पाकिस्तान में टूर कर रही है और वो मुल्तान में मैचेस खेल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इस्लामाबाद से कन्वर्ट होकर वहाँ पे जा रहे. तो इनको चाहिए था कि अगर अरबाब नया स्टेडियम अब कंप्लीट हो चुका होता या आने वाले फ्यूचर्स में जो और टीम्स आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, मतलब इंग्लैंड न्यूजीलैंड आ रहे हैं, अगर ये उससे पहले कंप्लीट हो गए तो इंशाल्लाह ज़रूर मैचेस पेशावर को भी दिए जाने का इम्कान है. तो जैसे आप लोगों ने देख ली कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से चेयर्स लग चुके हैं और इसकी तादाद तकरीबन 5,000 से ज़्यादा बताई जा रही है. क्योंकि अभी एग्जैक्टली जो फिगर है वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में लग चुके हैं. ये इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग एंट्रेंस गेट जो है उसके साथ वाली स्टैंड है, बिल्कुल नीचे वाली. तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस पर काम हुआ है. ये बिल्कुल टॉप वाली स्टैंड है जहाँ पर हम खड़े हुए थे, मैंने एंट्रो दीजिए आप लोगों को. तो यहाँ से पूरे स्टेडियम की व्यू माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तरीके से नज़र आ रही है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो गाइज बी रेडी फॉर दैट. सो गाइज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जो कि LEDs के लिए ये लोग पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को सामने दिखाई दे रहे हैं. ये स्टेयर्स बना रहे हैं स्टैंड के अंदर से, ताकि अगर कोई कल खराबी हो जाए या कोई वायरिंग मिसिंग हो जाए, कल सफाई सुथराई हो, तो इस पर ऊपर मतलब सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर इसकी सफाई की जाए. देखिए आप लोग देख सकते हो इसकी फिटिंग इंस्टॉलेशन हो रही है, काफ़ी तगड़ी कोशिश ये लोग कर रहे हैं. ये देख सकते हो ये पैनल जितनी लगाई है. अक्सर यूट्यूबर्स ने गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की थी आप लोगों के साथ कि LED फ्लड लाइट्स जो है वो लग चुकी है, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल इंस्टॉल नहीं हुई. सिर्फ उसके लिए ये लोग जो पैनल्स आए हुए थे वो लोग ये सिर्फ पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि सिर्फ उसके बाद फिटिंग ही हो जाए. जैसे आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी ये स्टेयर जो पहले स्ट्रिप्स लगी लगानी थी उसके बाद ये पूरी की पूरी लग चुकी है. ये वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ से इन लोगों को सप्लाई कर रहे हैं. तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है.
सो गाइज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राउंड। ग्राउंड में आप लोग देखते हो ये ट्रसेस पड़े हुए हैं, तो काफी ज्यादा सफाई तो हो चुकी है, स्वीट सॉइल भी इंस्टॉल हो चुकी है। अक्सर लोग मुझ पर तंकी कहते हैं कि स्वीट सॉइल क्या होती है। स्वीट सॉइल वो होती है, एक देखे मिट्टी जो है ना मुख्तलिफ किस्म की होती है। अक्सर मिट्टी में ग्रास ग्रो करते हैं, अक्सर में ये होते हैं कि आप जो भी बीज डालते हो, जो भी तुहम डालते हो, तो वो बिल्कुल उगती नहीं है। तो इसलिए स्वीट सॉइल हम इसलिए कहते हैं, इसको नाम दिया गया है कि इसमें जो भी चीज आप उगाना चाहे, अगर आप मतलब ऐसा है कि किसान हो तो आप खेतों वगैरह में डाले, तो आप जो भी फसल उगाना चाहे आप उस पर उगा सकते हो। ये थोड़ी सी हमने अपने आप से ड्रोन शॉट्स कर ली, लेकिन फिर भी हम अगर बात करें इसकी विकेट्स की, तो आप देख सकते हो जहां पर हम खड़े हुए हैं, तो यहां से तकरीबन 9 विकेट्स बनाई जाएगी, मतलब 9 विकेट्स इन सब में बनाई जाएगी। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये ट्रसेस मतलब 3 लग चुके थे, 3 और इस साथ में लग चुके हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले 6 से 7 दिनों में ये टोटल जितने भी ग्राउंड पर आप लोगों ने देख ली, पहले पड़ी हुई थी तकरीबन 5, 6 या 4 जितने भी थी, वो सब के सब यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है, हमारी कोशिश होगी एज अ यूट्यूबर, एज अ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपडेट्स देने के लिए, कि जितनी भी जल्दी हम इनसे करवा सके ये हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इनको इस लेवल पर ले आए स्टेडियम को, ताकि एक बेहतरीन अक्स पेश कर सकें। जैसे आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, ये स्टैंड का अपडेट स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर ये लोग जो बैक साइड पे एक बंदा खड़ा हुआ है, वो जो कि मेम्ब्रेन शीट है उसके हवाले से इसकी सेटिंग कर रहे हैं, ताकि मेम्ब्रेन शीट पे जल्द अज जल्द लग सके। और ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है वो LED लाइट्स की सेटिंग कर रहा है। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने पूरी की पूरी स्टेंस देख ली, मैं भी आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पूरी LED लाइट्स के लिए केबल्स इंस्टॉलेशन जारी है। आप लोग यहां से मैं इस तरफ कैमरा लेके जाता हूं, पूरे स्टैंड्स पर जितने भी स्टैंड्स यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, उन सब की एक जो शीट है वो मुकम्मल तौर पर सब के सब में इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हो ये है वो शीट, ये लग चुकी है। अक्सर लोग लाइट्स के बारे में बात कर रहे थे कि हमने लाइट्स इंस्टॉल की है, लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी है, वो बिल्कुल फेक न्यूज थी, फेक वीडियोस थी। अच्छा, तो गाइज मेरे वीडियो का यहाँ पर अहतमाम पजीर होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपने मेरा चैनल अब्दुल बासित बाबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो पर मुझे 1000 लाइक्स चाहिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आप लोगों से पॉसिबल हो तो प्लीज 1000 लाइक्स मुझे दे दीजिए।